और उन विधायकों को लेके एक मंत्रिसभा बनाया जाता है, उसी में से एक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाता है, और वे जो मुख्यमंत्री और मंत्रीगण वही लोग ही बैठ के इस राज्यों का भविष्य में क्या करना है क्या नहीं करना है इसके ऊपर निर्णय करता है। और इसका जो फल है, इस फल को हमें खाने का मौका मिलता है। अगर किसी तरह गलती से आप लोगों ने गलती आदमी को सेलेक्ट करके भेज दिया तो गलती लोगों का सरकार बन जाएगा, और ये गलती लोगों का जो सरकार है गलती परिकल्पना लेगा, परियोजना लेगा, और उससे आपके गांव के उन्नयन के नाम पे गलती सीधे आ जाएगा, जिस पर आप लोगों का ये हालत लास्ट 25 साल भुगतना पड़ रहा है। ये आपका गलती डिसीजन था, आप लोगों का भूल सिद्धांत तो था, और जिसके कारण आज इकट्ठा होकर आप लोग इस बात को यहां पर कर रहे हैं कि सीपीएम ने 25 साल राज किया, 25 साल हुआ, लेकिन 25 साल में आप लोग आज पछता रहे हैं कि भारतवर्ष के दूसरे राज्य की तरह यहां के लोग शिक्षा में अन्य अवस्था में पीछे पड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ आप लोग आगे बढ़ नहीं सका। मैं सीपीएम बहुत छोटे से जानता हूं, मैं आसाम के जहां रहता हूं, जहां से हूं, वहां पर भी हमारा कुछ कम्युनिस्ट भाइयों हैं, और मेरे बोरो भाई भी कुछ लोग वहां पर कम्युनिस्ट थे। तो हर समय ये सीपीएम के बीच में जो डिस्कशन होता है वो गांव के बारे में डिस्कशन नहीं होता, बातें नहीं होता, अपने घर के बारे में बातें नहीं होता, दुनिया के बारे में बातें होता है। दुनिया, अरे अपना घर का हम बदल नहीं सका और दुनिया को क्या बदलेगा। मैं जब सोता था तभी से मैं बोलता था, खुद को नहीं बदल पाया, अपने घर को बदल नहीं पाया, अपने गांव को बदल नहीं पाया। कहां हम रासिया का बात करते हैं, कहां साइना का बात करते हैं, उसी टाइम रासिया भी था। तो इसी तरह मैं पहले से ऐसे उन लोगों के साथ बात करके आते थे, और ये सब हर समय खुद को गरीब के बंधु बोलता रहा था, गरीब का दोस्त है, सही बात है। उनका नीति ही गलत है। उनका नीति में क्या है, मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण देना चाहता हूं कि आपको एक फेर लगा दिया, रबर का प्लांटेशन बहुत पॉपुलर है, आपने रबर लगा दिया, तो सीपीएम का नीति को देखो, कोई